अबे छोड़ दो, मैं दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगा। तेरे तो बड़े भी जाएंगे। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो जब वो बेचारा जाना ही नहीं चाहता? इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ऐसा क्या किया है इसने? सुनो फिर, जहाँ भी देखो सब कहते हैं चौधरी की बेगम का 1 करोड़ का हार है। साला मैं आज ये हार ही उठा लूंगा। मुझे तो पहले ही पता था चौधरी के घर चोर घुसेंगे। 1 करोड़ की अफवाह जो फैला रखी है। छोटे चोर है ये, पकड़ से। बेटे चोर था ये, पकड़ इसे। अपने घर से खाता हूँ, तेरे घर से नहीं। क्या मतलब? मतलब ये मुझे काम मत बता, खुद ही पकड़ ले। माजूर का तो एहसास ही नहीं इन लोगों को। पानी पिला। भाग क्यों रहे हो? पीछे पुलिस लगी है क्या? पानी पिला पानी। इसमें क्या है? चौधरी की बेगम का 1 करोड़ वाला हार। दिमाग तो ठीक है तेरा? पहले थोड़ा थोड़ा खराब था, अब इलाज कर रहा हूँ। इस हार की बड़ी तारीफें सुनी है, दिखा तो सही। चूसनी के मुंह वाले, शक्ल देखी है तूने अपनी? 1 करोड़ वाला हार देखेगा तू। कब से बैठे हो यहाँ? 1 घंटा हो गया। जुबैर को जाते हुए देखा? शिराज का भाई। हाँ हाँ, शिराज का भाई। खैर तो है? जान लेनी है मैंने उसकी। इस तरफ गया है। जाके शिराज को बताना पड़ेगा तेरा भाई खतरे में है। तुम्हारा भाई जुबैर कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उस पागल से? उसने चौधरी के घर घुस के उसका हार उठा लिया। नौकर? सच में? हाँ, अब चौधरी पीछे पड़ा है पिस्टल लेके उसको मारने के लिए। इस वक्त कहाँ है वो? लम्बे मोड़ पे। एक करोड़ का माल हाथ में आ गया, इसे बेचते ही 50 लाख अपने ऊपर लगाऊंगा और बाकी के 50 लाख रॉबिन हुड की तरह गरीबों में बांट दूंगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। पता नहीं किस एंगल से ये 1 करोड़ का है। इतना सा तो हार है ये। हीरे लगे हुए हैं इसमें। तेरी इतनी हिम्मत हूँ अब लोगों के घर में घुस के चोरियाँ करेगा? क्या बाबा ने हमें यही सिखाया था कि लोगों के घर में घुसकर चोरियाँ करें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म किस बात की? वैसे भी चौधरी के पास ढेर सारा पैसा है। पैसा है तो उसने अपनी मेहनत से कमाया है, तुम भी अपनी मेहनत से कमा। तू सीधा उसके घर घुस गया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, लिहाजा तू कुछ दिन के लिए दूसरे मुल्क चला जा। ऐसे कैसे दूसरे मुल्क चला जा? अपन यही पे रहेगा और इस हार को भी हजम करेगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तू दूसरे मुल्क जाएगा, हम ये हार चौधरी को वापस करके उससे माफी मांगेंगे। जब तक वो मान नहीं जाता तू वापस नहीं आएगा। अपनी जान ही क्यों ना चली जाए, अपन यहाँ से नहीं हिलेगा। ऐसे कैसे नहीं हिलेगा तू? जल्दी करो, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। जिंदगी में ऐसा काम ना करें जिससे आपके बड़ों की इज्जत को ठेस पहुँचे और उनको दूसरों के सामने झुकना पड़े। इस नोट पे हमारे बाबे की फोटो तो नहीं है, लगता है ये जाली है। साहब साहब, अल्लाह के नाम पे दे दे साहब, ऊपर वाला बहुत देगा तुझे साहब। साहब साहब, अभी अभी मुझे एक बंदे ने नोट दिया है, ये आप चेक करके बताएं ये नकली नोट है। अरे ये तो $100 है, तेरे पास कहां से है? डॉलर?
साहब ये अभी अभी एक अफसर दे के गया है मुझे, ये कितने पैसे हैं? वाह यार बड़ा अच्छा आदमी था, तुझे $100 दे गया, ये पाकिस्तानी कम से कम 30,000 रुपए हैं। 30,000? लाए साहब, साहब ये नोट हर दुकानदार ले लेगा। नहीं ये नोट सिर्फ बैंक में चलेगा, बैंक में जाके तुम उसे नोट दे दोगे वो तुम्हें पाकिस्तानी करेंसी दे देंगे। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह खुश रखे। इतने सारे पैसे, यार पैसे मैंने उठा तो लिए, कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं। ये तो बहुत मोटी रकम है यार, इन पैसों को वापस रख देना चाहिए, ये ना हो गले की हड्डी बन जाए। अबे कैसी बातें सोच रहा है तू, इतनी मुश्किल से अल्लाह ने चांस दिया है अमीर होने का, मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगा, इससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। चल इधर, बता कहाँ छुपाए हैं पैसे, बता कहाँ हैं पैसे? साहब मैंने यहीं पे रखे थे। पुलिस, लगता है ये पैसे चोरी किए हैं, मेरा क्या होगा अब? यहाँ तो एक भी नोट नहीं है, सच सच बता कहाँ हैं पैसे? साहब कसम मैंने यहीं पे पैसे छुपाए थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ से पैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? साहब मुझे नहीं पता, मैंने पैसे यहीं पे छुपाए थे। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तो साहब वो भिखारिया में देके भाग रहा। साहब पैसे भी इसी भिखारी ने उठाए होंगे। तू इसे ले के, मैं उसे पकड़ता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया साला। भाई साहब आपने किसी भिखारी को देखा है? नहीं भाई साहब मैंने किसी भिखारी को नहीं देखा, मैं तो अपने गम में बैठा हूँ। इस जंगल में ये कब्र किसकी है? भाई साहब ये मेरे अबू जान की कब्र है। लेकिन ये तो किसी बच्चे की लग रही है। ओह नो, अबा जान बचपन में फोत हो गए थे। ओह नो साहब, ये तो वही भिखारी लग रहा है। क्या ये वही है भिखारी? भिखारी साले बता कहाँ छुपाए हैं वो डॉलर? कौन से डॉलर साहब, मैं किसी डॉलर को नहीं जानता। वही डॉलर जो इस कमीने ने बैंक से चोरी किए हैं। मैं इस कमीने को भी नहीं जानता साहब, मुझे नहीं पता आप किस डॉलर की बात कर रहे हो। साहब जरा ये कब्र खोद के देखना, इसके अंदर जरूर डॉलर होंगे। अभी देख। साहब ये रे वो डॉलर। अब कहाँ से है ये डॉलर, चल थाने। साहब मैं क्यों थाने चलूं, चोरी तो इसने की है ना, मेरा क्या कसूर है? अच्छा तू तो ऐसे कह रहा जैसे तूने कुछ किया नहीं है, चल तू थाने, तुझे बताता हूँ तेरा क्या कसूर है।